फ्री है, फ्री, आई विल ट्राई, थैंक यू। तो पूरा रिदम में बजता है भाई, जब अगर बजाएंगे ना संस्कृत में। अभी तक किसी भी ट्राइब के बाहर में ऐसे बंदा जो बंदूक लेके खड़ा हो ना, हम लोग हेड हंटर है। तो भी अभी हमें चकासांग ट्राइब में, और ये है इनकी देसी चक्की, ये यूज कर रहे हैं सिर्फ अभी चावल पीसने के लिए, जो धान वगैरह हम ड्राम पे जाकर धरते हैं ना, इसमें वो डाल के वो चावल निकालते हैं, और उसके बाद जो प्रोसेस होता है, जो चावल निकल भी जाते हैं, जो वेस्ट रहता है ना, उसको फिर हवा में या फिर पंखे के साथ में उसको उड़ाकर जो चावल बच जाते हैं, फिर उसको अपना खाना वाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर एक ये देखो, ये है बकेट, इसमें इनके चावल वगैरह आते हैं या फिर निकलने के बाद में ना इनको कर लेते हैं। और ये है इनका देसी पंखा सुपड़ा, हाँ, जिसे पछाड़ते हैं ना ऐसे करके, वो वेस्ट पदार्थ भाग जाता है, चावल चावल ले जाते हैं। और ये है मिथुन, और जो मेन है यहाँ पे, जो भी परफॉर्मेंस चल रहा है, अभी कोई गेस्ट आने वाले तो वो वहाँ पे जो है, ये है उनका हथियार। कल सुमी ट्राइब में जो था ना, उसका नाम तो स्पेयर था, जो कि सेल्फ डिफेंस और वॉर मीन्स कहता था, इसका भी कोई अलग ही नाम रहता है ट्राइब में। और ये है इनकी टोकरी, देखो अभी तो जैसे ये हम टोकरी बनाते हैं ना जिस लकड़ी से, है तो वैसे ही, लेकिन इसके अंदर ना फोम रहता है, जो सिर पे चुभे ना तो आराम से आदमी पहन सके पूरा दिन। और ये है भाई, जैसे पुरानी फिल्म ना, पुरानी नहीं, जो हिस्टोरिकल मूवी होती है ना, जैसे जादू की मूवी होती है, उसमें ऐसे हथियार रहते हैं राक्षस के पास में, तो वैसे ये यहाँ के लोगों ने हथियार बना रखा कि बाई चांस कुछ हो जाए या शिकार करना पड़ जाए, ऐसे ही है दो तीन। और ये है उनकी शील्ड, यानी कि ढाल, अगर कोई उन पर हमला करता है तो प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस तो होना चाहिए। वो गिर गिर गया भाई ये, तो इसको यूज़ करते हैं अपने ढाल के रूप में। और ये आपको अंदर से दिखाए, और एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर देखो, अभी तक का सबसे बड़ा सिंह वाला, और एक पीछे भी था, लेकिन ये है बड़े वाला सिंह, इसको बोलते हैं मिथुन। यहाँ का कोई जंगली जानवर है जिसको ये हंटर वो करके ना किल कर देते हैं बाकी। और अंदर में भी है भाई, अगर बारीक करना बिल्कुल पतला, जैसे आटा निकालते ना इसको कूट के ये, और ये कितने भी पता नहीं भाई, लेकिन जो भी है खतरनाक ये सर, ये देखो आटा निकालते हैं ना, ये चावल से ही निकाल रखा है आज के, ये इसलिए ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ता भाई, ये चावल से ही आटा निकाल दे। और ये ऊपर है नॉन वेज, ये क्या है वैसे, पोक? ये पोक, ये किचन एरिया, ये किचन है आपका। और ये भी ये बीफ और पूरा मटन वाला है, सुखाया हुआ है, ये सब बन रहा है। अच्छा, सुखाने के बाद इसको फिर पकाते हैं। हां, वेज में सिर्फ राइस। हां, ओके, ये ड्राम है इनका। ओके, और ये इनका एक ड्राम, जब में टंकी रखते हैं ना अनाज डालने के लिए, चावल डालने के लिए, तो इनका ये टंकी है। डन ब्रो, थैंक यू सर। तो दोस्तों, नई तरीके से बात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, जय बोले जय संकल्प। तो अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल में आज हमारा चौथा दिन है, और कल हमने एक्सप्लोर किया था तकरीबन 6 से 7 टाइप को, और बाकी जितनी भी बची हुई है आज उन सबको एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अभी कोई गेस्ट आने वाला है, तो कुछ टाइप्स के लोग गए और कुछ यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस करे, जो शाम के टाइम में जो इनका परफॉर्मेंस होगा वो अपना आराम से हो जाए। और अभी हम पहुँचे हैं संगथाम ट्राइब में, बाकी यहाँ पे लोग, इनका खाना कल्चर बहुत ही डिफरेंट है। हेलो जी। और ये जो मैडम है ना, इनका नाम है सोनल, और ट्रेवलर। और पहले बताओ, आपकी जर्नी साइकिल से शुरू हुई थी ना? हाँ, मेरी साइकिल से शुरू हुई थी। मैंने 2 साल साइकिलिंग की है, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट पूरा कवर किया है, दिल्ली से कन्याकुमारी और उत्तराखंड चारधाम यात्रा आल्सो। उम्मीद तो यही थी कि यार मैडम के साथ में कर, पर मैम करेगी अभी 1 साल के लिए नो साइकिल। ओके, और अभी चलो संगथाम टाइप को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ना यार जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना तो एक्सप्लोर नहीं कर पाते, आवाज इतनी होती है। और यहाँ पर भी जो सीटिंग एरिया है वो एकदम नेचुरल तरीके से बेम्बो का यूज करके बना रखा है, और ये इनका रेस्टोरेंट है, ये पूरा छप्पर वाला। और इधर में किचन है, इधर में यहाँ पर एक लेडीज की मूर्ति है, और ये है इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस,
और ये जो जेंट्स रखते हैं ना वो वाला हथियार है। इधर में मिथुन है, ये फोटो बना रखी है इधर में, और ये इनका सब्जी वगैरह है वो, और ये है इनका मेन अट्रैक्शन। यहाँ पर अगर कोई चाय ले लेता तो 30 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, लिखा भी है टी 30 रुपीज़। और ये जो लोग परफॉर्मेंस करके आए हैं तो मैडम देखो इनके सबके लिए ब्लैक टी लेके, मैम ये इनका ये फ्री है, फ्री है, फ्री, आई विल ट्राई, थैंक यू। तो वैसे ये फ्री नहीं होता लेकिन मैम ने दिया, थैंक यू जी। अगर आप फोर व्हील व्हीकल आए हो और आपने यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें वो आपने यूज़ नहीं किया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे जो गन शूटिंग है वो है, या फिर ये है क्या नाम था इसका, ड्रम, ड्रम, ओके भाई, इसके लिए ना ये ओके है। आप लोग क्या करते हैं ऐसे जो ढोलक बजाते हैं वो अलग बजाते हैं, इनका रहता है ऐसे, ओके बहुत सारे रखे हुए ऐसे, ये जो है ना ये डंडे, ये था। और अभी हम ए आओ मोरांग में, और यहाँ का जो खासियत है भाई बहुत ही अलग है, जो जितनी भी टाइम अभी तक हमने एक्सप्लोर किए हैं यहाँ की, जो कहते हैं ना कि हेड हंटिंग वो पहले होता था, जैसे जो इनके बड़े बुजुर्ग है पीढ़ी दर पीढ़ी जो पीछे की रहेगी ना वो तब होता था, अब ये पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से भी। अब यार हमारी जो जनरेशन है ना वो बहुत ही समझदार हो गई है, और इनका जो वेपन है वो है ये, नाम नहीं पता बाकी, कल एक ही वेपन का नाम याद हुआ अभी तक मेरे को, स्पेयर। बाकी ये भी इनका सेल्फ डिफेंस, और जो और मैं यूज किया था ना वो ये, और ये इनकी शील्ड है। और इधर में देखो पूरा बैम्बू से ये कटिंग है, अभी तक बैम्बू कब हमने आपको दिखाए थे, और इनका ये भी हथियार है, और ये तो है। एक चीज़ और है जो आपको नोटिस करनी चाहिए जब आप आते हो ना हर ट्राइब में, इनके ना कुछ सिंबल रहते हैं, जैसे कि वाई का सिंबल है, ये आपको उसी टाइम देखने को मिलेगा जिस टाइप के लोग काओ और मिथुन का जो शिकार करेंगे ना उनके घर के बाहर ही आपको देखने को मिलेगा। और वो जो ड्रम मैंने अभी बजाया ना वो कुछ चीज़ हो जाती है, जैसे खुशी होती है या कोई आपको बात बतानी होती है लोगों की, एक होता ना अभी तो अनाउंसमेंट कर देते हैं माइक पे आ जाती है या आपके फ़ोन पे आ जाती है अनाउंसमेंट, उस टाइम इसको बजा के अनाउंसमेंट की जाती थी या किसी घर जाता था कि लोगों को बताने के लिए कि उसको हेल्प चाहिए, तब वो ड्रम का यूज़ किया जाता था, बाकी खुशी में भी दुर्गम में भी तो हर जगह। और अंदर से इसका जो अरे भाई सा हो गया ये है वो छोटी वाली दराती जिसको फरसा बोलते हैं अपन ना, छोटी वाली दांती कटिंग के लिए गेहूँ वगैरह काटने के लिए ये यूज होता है, और ले जाबा। और ये है हॉर्नबिल बर्ड के पंख मुकुट, ये ज़्यादातर फीमेल लोग ही पहनते, फीमेल ही पहनते इनको। क्या गजब का डांस करते हैं यहाँ के लोग, और परफॉर्मेंस होता है ना वहाँ तो इनको रिपीट करना पड़ता है कि बार बार एक जैसे क्योंकि वहाँ पर रिहर्सल चलती है, और जब ये अपने खेमे में आते हैं ना यहाँ पर ये रैंडम डांस करते हैं अभी जैसे भाई कर रहे थे। और अभी हम है यिमख्वांग ट्राइब में, अभी देखो यहाँ पर ये आर्क है ना, ये अभी अपने परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है ना, तो वहीं जा रही है और अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ की जितनी भी ट्राइब्स हैं उन सभी को, और खाने पीने की भाई अलग से बनाएंगे क्योंकि इसमें मिक्स नहीं कर रहे, हम बस ऐसे ट्राइब में जा रहे हैं, बस उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग कैसे हैं क्या कल्चर है। और अभी तो यहाँ पे कपड़े नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि हर ट्राइब में हमें कपड़े दिखे लेकिन यहाँ पर एक ट्राइब में नहीं दे रहे। अभी भाई ठंड हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर 4 बजे अंधेरा हो जाता है, अपने वहाँ पे 6-7 बजे शाम होते हैं तो यहाँ पे 4 बजे अंधेरा हो जाता है, और अभी हमें होम टाइम में यहाँ पर
जो लेडीज बैठी है ना, ये ट्रेडिशनल ड्रेस में। और मैं एक चीज़ देख के रहने का कि ये नमकीन खा रहे थे ऐसे सब कुछ खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब उन्होंने दिखती वैसे भी खा लेते यार, ऐसा नहीं है। वो सोचना मत, देखो जो मैं कह रहा था ना वो क्या नाम था उसका, ड्रम 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 बीटिंग ड्रम आवाज कर रहे हैं वो अभी मैं हूँ बहुत ही फेमस ट्राइब कोन्याक। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे ना, स्पेशल लोग इसका वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि भाई ये जो ट्राइब है क्यों इतनी फेमस है। तो यहाँ पर किसी भाई से पूछते हैं, क्योंकि वही लोग हैं ना जो इस ट्राइब के हैं, वही बता सकते हैं कि इस ट्राइब की फेमस मतलब खासियत क्या है। अगर आप देखोगे अभी तक किसी भी ट्राइब के बाहर में ऐसे बंदा जो बंदूक लेके खड़ा हुआ ना कहीं नहीं दिखा, लेकिन इस ट्राइब में है। और इस ट्राइब में ना जितने भी लोग हैं आगे जो लोकल है, हर बंदे के हाथ में बंदूक मिलेगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे गन शूटिंग चल रही है, यहाँ पे टोकन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहले तो फ्री था लेकिन अब चार्ज हो रहा है। देखो उधर में है ना गन शूट वगैरह हो रही है। पर ओ भाई है ना जो ये वाला, अरे ये वायरल वो है यार, ये बड़ा ही वायरल है, सभी इससे पूछे और ये बता भी देते हैं। तो इसी भाई से हम भी पूछेंगे कि इस ट्राइब की खासियत क्या है। तो भाई जी भी आ चुके हैं। तो भाई जी, ये जो आपकी ट्राइब है कोन्याक, ये इतनी फेमस क्यों है? हम लोग हेड हंटर हैं, इसलिए। हेड हंटर? हाँ। अभी भी चल रहा है या पहले होता था? पहले। अब नहीं है? अब नहीं है। अब जो आपके अब तो क्रिश्चियन ले गया है ना, हाँ, छोड़ दिया हम लोग, मतलब बंद कर दिया। अब सिर्फ एनिमल का होता है। अभी है आपने किसका हंट किया, हमें हंटर किया है आपने एनिमल में? ज्यादा है, मतलब आपके पापा ने दादा ने? ये तो मेरे को क्या पता है, नहीं पता है, पूछना चाहिए। बाकी भाई ये जो ट्राइब है ना कोन्याक बहुत ही फेमस है, और ये भाई वायरल होने वाला, क्योंकि ये जो ट्राइब है ना इसको लोग स्पेशल सर्च करें यूट्यूब पे, कोन्याक ट्राइब। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग भाषा में? हाँ, चंगमू चंगमू चंगमू। हाँ चंगमू। और ये जो कान के ऊपर ये नाथुआ नाथुआ। हाँ। और ये जो दांत है सिर के ऊपर ये टीथ महिला वाह महिला वाह। हाँ। ये किसका है? ये जंगल का एक तो जंगली सुअर होता है। हाँ। उसका है। हाँ। वो और ये पूरा जो भगा देखो ये जो है यहाँ ये ऊपर। हाँ? ये बर्ड है, हॉर्नबिल बर्ड। हाँ, हॉर्नबिल का ही। और ये हाथ में इसको कहती है चकवन चकवन। हाँ। ये आप सिर्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल में पहनते हो या और भी ट्रेडिशनल? हाँ। और भी होते हैं। वन टू सिक्स अप्रैल कौन सी जगह पे होता है ये? कोन्याक में ही। तो तब भी ये ड्रेस पहनते हैं? और भी ट्राइब्स आती है या ओनली कोन्याक? वाओ। इसको कहती है लुआकजाक लुआकजाक। हां लुआक मतलब है एलिफेंट एलिफेंट। ओके वाह। और ये जो गन है ना, मतलब स्पेशल जितने भी हैं आगे कोन्याक ट्राइब के सबके पास में गन है। ये आपका खुद का गन है? हाँ हाँ खुद का ही है। और ये पाउडर वाला गन पाउडर? हाँ, या गोली भी डलता है इसमें? डलते हैं ना शिकार इससे ही करते हैं हम लोग तो। ओके तो ये भाई जब बाहर होते हैं ना तब शिकार होते हैं, इधर में है तो इधर में सिर्फ आवाज निकालने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। देखे ये भाई पास में, उधर में पर शॉट का आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। देख ये इनका पूरा मुंह पे जो लगाते हैं ना काली क्या लगाते कालस, पूरा इनका सेटअप है। वाह। और ये जैसे शिकार को खोजते हैं ना तो ऐसे अपना पूरा एकदम शिकार खोजने का जो इनका तरीका है ना वो भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। और यहाँ पे कोई निशान लगा देते कि हाँ यहाँ से मैंने चेक कर लिया तो आप आगे बढ़ सकते हो। वाह। और ये है तिखिर ट्राइब, और ये है भाई अपनी सर्दी का साधन। अभी शाम के 4 बजने वाले और ठंड, ये भाई थोड़ी हवाबाजी में आ गया था और ऊपर से बुखार चढ़ा अभी का पता लग रहा है कि
नागालैंड में ठंड को हल्के में ना ले भाई, अगर आप किसी भी महीने में आ रहे तो ठंड के हिसाब से अपना टेम्परेचर पहले चेक कर लें एक हफ्ते एक महीने का कि वहाँ पे क्या टेम्परेचर रहने वाला है। और ये है इनका घर, पहले ऐसे होते थे राजा महाराजाओं के, और ये इनका फूड का बना रखा है उधर में, वो तैयारी कर रहे हैं, पैकिंग हो गया अब उनका, इधर में इन्होंने तंबू बना रखे बैठने के लिए। किम थैंग ट्राइब अभी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस करने वाले थे वो तो जा ही चुके हैं कि अपना पैक वैक करके बैग, और बस यहाँ पर लोग ही बच्चे जो फोटो वगैरह शूट कर रहे हैं। और इसके बाद हमारी बच्ची है दो ट्राइब, एक ये नीचे वाली किम ख्वांग और एक और है कचहरी पोचहरी के नाम से, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं, देखो अभी पूरा एकदम खाली होगा, तो इसी वजह से अभी हम चल रहे हैं ग्राउंड के पास में, तो क्योंकि शाम का जो परफॉर्मेंस होगा ना वो ग्राउंड में ही होगा, और जो कचहरी वाले लोग थे या ट्राइब वाले लोग थे वो तो सब अपना जा चुके अपना परफॉर्मेंस करके। I would like to introduce the first tribal group from Karbi Anglong, Assam. पूरी ना कर रहे भाई इतना मत Make some noise! Hey! जय हरियाणा Thank you so much. I love you, Nagaland, and I love you all. Thank you so much.